हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मनीष मिश्रा एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। इन टुडे सेशन गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट जो कि एक मेडिकल जर्नल लैंसेट में पब्लिश हुआ है रिसेंटली, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबल राइट्स इंडेक्स। राइट, सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड अदर देन दिस देर इज वन मोर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडे सेशन। सो टू वॉच द कम्प्लीट सेशन। नाउ फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स, दैट इज अ रिपोर्ट पब्लिश इन द जर्नल लैंसेट। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, देन मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। सो गाइज, इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज पॉपुलेशन ट्रेंड, सो अ वेरी अलार्मिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट India will be the most populous country with 1.09 billion population, followed by Nigeria, China, US and Pakistan by the year 2100. 2100 तक, 2100 तक India will be the most populous country around the world, across the world, followed by Nigeria, China, US and Pakistan. And following these type of news, the people like Bachcha Yadav who are having 11 children will now repent ki kaash humne hamare do follow kiya hota. सो गाइज, दिस इज अ वेरी अलार्मिंग न्यूज, हमें अभी भी सावधान होना चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, सो इन 2017 वी हैव 1.38 बिलियन सिटीजन्स अराउंड इन आर कंट्री, इन 2048 इट विल बी इंक्रीज टू 1.6 बिलियन, वाइल इन 2100 इट विल बी इंक्रीज टू 1.09 बिलियन। राइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग एज पॉपुलेशन, सो इंडिया के अंदर इट हैज बीन फोरकास्टेड दैट India will have the largest working age population in the world by the year 2100, but in the numbers, the working age population will decrease, because in 2017, the working age population is how much? 762 million, but in 2100, it will decrease to 578 million, right? So, the numbers will increase, while the largest working age population in the world by 2100 will be in India. And if you talk about the GDP, so from 2070 to 2100, India's rank will increase from 7th to 3rd in the terms of nominal GDP around the world. Duniya ke sabhi desho mein, in terms of nominal GDP, India ka jo 2017 ka rank tha, that is 7th, usse increase hoke 3rd ho jayega by the year 2100. And guys, I hope aap sabko ye pata hai that nominal GDP kya hota hai. So nominal GDP is that GDP that is evaluated at the current market price, right? करंट मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी इवैल्यूएट की जाती है, दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट, सो टोटल फर्टिलिटी रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 1.29 इन द ईयर 2100 फ्रॉम 2019 में कितना था, ये 2.1 था। ओके, एंड दिस इज क्वाइट गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, बट यस, 2100 इज वेरी फार फ्रॉम नाउ, तो 1.29 तब तक हो भी जाएगा तो ये बहुत बड़ा गेन नहीं होगा। एंड इमिग्रेशन की बात करें तो इंडिया इज फॉरकास्टेड टू हैव द सेकंड लार्जेस्ट नेट इमिग्रेशन इन द ईयर 2100। नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड। टिल नाउ अब तक हमने इंडिया का जो पॉपुलेशन ट्रेंड था वो पढ़ लिया कि बाय द ईयर 2100 क्या होगा, कैसे होगा। एंड नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड्स। ओके, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी एट इट्स पीक इन 2064 एट 9.7 बिलियन एंड विल रिड्यूस देन to 8.8 billion by the year 2100. So it will at its peak in the year 2064, while it will reduce by 2100 to 8.8 billion. And 23 countries aise honge that will see a drastic reduction in the population by more than 50%. Okay, aise 23 countries honge jahan pe bahut zyada reduction ho jayega in their population, and that reduction will be how much? More than 50%. Okay. एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन विल डिक्लाइन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, एंड सबसे ज्यादा वर्किंग एज वाले जो कंट्रीज होंगे दैट विल बी इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड यूएस। दीज कंट्रीज विल हैव द लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बाय द ईयर 2100। एंड टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो इट इज स्टेडिली डिक्लाइनिंग, दैट इज फ्रॉम 2.37 इन 2017 इट विल डिक्रीज टू 1.66 इन 2100। And there is a huge shift in the global age structure, guys, with an estimated 2.37 billion individuals over 65 years in 2100 compared with the 703 million in the year 2019. 2019 mein jo over 65 years ke log hain, that was 703 million, but in 2100 it will increase to 2.37 billion. Yani ki jo hamari working age population hai, wo kya hoti chali jayegi? Decrease hoti chali jayegi.
एंड बाय द ईयर 2035 चाइना विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना विल ओवरटेक यूएसए, बट इन 2098 यूएस विल वंस अगेन बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी. ओके एंड गाइस, दिस रिसर्च वॉज डन बाय इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन. ओके सो दिस वॉज अबाउट द रिपोर्ट गाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 and 2. एंड दिस रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी एएसआई सेक्शन, सो आपको ये अच्छे से करके जाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द लैंसेट विच इज करेक्ट अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन ट्रेंड फोरकास्टिंग. इंडिया का जो पॉपुलेशन ट्रेंड का फोरकास्टिंग है उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ओके सो फोरकास्टेड टू द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बाय 2100. यस फोरकास्टेड टू हैव द लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन. यस projected to be third in terms of nominal GDP. yes this is absolutely correct. and working age population has been projected to increase. no guys, jo working age population hai wo kya ho jayegi, numbers mein increase ho jayegi, numbers mein decrease ho jayegi, but yes overall india ke paas sabse zyada working age population hogi by the year 2100, but in the terms of numbers it will decrease. okay so this statement guys is incorrect, which means hamare paas ye teen statement correct hai 1 2 3. so therefore the correct answer will be what, option d 1 2 and 3. Now question number 2 is also based on that report. So according to the report published in the Lancet, which is correct about the global population trend forecasting. So pichla question guys India ke population trend forecasting ka tha. Now this question is about the global population trend forecasting. So statement number 1 is that global age structure is expected to shift with increasing number of people over 65 years of age. Yes, this is absolutely correct. China is expected to overtake the US as the largest economy in the world in 2035. Yes, this is also correct. The global TFR is predicted to steadily decline from 2.37 in 2017 to 1.66 in 2100. Yes, this is also correct. So therefore, guys, the correct answer should be what? Option D. All are correct. Now let's move on to question number 3. So guys, question number 3 and 4 both are based on the Global Rights Index 2020. So let us first discuss about this index. So guys, this index has been released by International Trade Union Confederation, which is headquartered in Brussels. Brussels is in Belgium and it was formed in the year 2006. Okay, ये जो International Trade Union Confederation है, ये established किया गया था in the year 2006 and its headquartered is in Brussels. So it has released the 7th edition of the Global Rights Index 2020. And इस index के अंदर होता क्या है? This index ranks countries on the degree of respect for their workers' rights. जितने भी देश हैं, उनमें वर्कर्स के साथ कितना रिस्पेक्ट किया जाता है उसके हिसाब से कंट्रीज को रैंक किया जाता है. सो इन दिस इंडेक्स देयर वर टोटल 144 कंट्रीज एंड 3 कंट्रीज इंडिया इजिप्ट एंड होंडुरास हैव एंटर्ड द लिस्ट ऑफ 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर द वर्कर्स इन द ईयर 2020. 2020 में 10 वर्स्ट कंट्री में 3 नई कंट्रीज का नाम आया है और उसमें से हमारा प्यारा भारत भी है. इंडिया, इजिप्ट और होंडुरास 3 कंट्रीज है एंड इंडिया हैज बीन गिवन 5 रेटिंग. No guarantee of rights in India. India के अंदर कोई भी guarantee of rights नहीं है for the workers. And this is very bad news for all of us because हमारे यहाँ पे guys workers की जो population है वो काफी ज़्यादा है. And if you talk about the rights, so there are no guarantee of any kind of rights to them. So this is very bad news for all of us. We have to do something for this. And in total 12 countries ऐसी हैं जिनको 1 rating दिया गया है. Middle East और North Africa are the region which are in the worst form. Their score is 4.44, while the Europe, which scored 2.49, is the best region for workers. There were in total 97 indicators, which were clubbed into 5 categories of civil liberties, right to establish or join unions, trade union activities, right to collective bargaining, and right to strike. ये 5 categories अगर आपको याद हो जाती है, then well and good. Otherwise, it is not that important. बस आपको numbers पता होने चाहिए कि that how many indicators and how many categories are there. So there are 97 indicators that are clubbed into 5 categories. Okay. And if we talk about guys, the 10 worst countries in the world for working population. So these are the 10 countries: Bangladesh, Honduras, Philippines, Brazil, India, Turkey, Colombia, Kazakhstan, Zimbabwe, and Egypt. These are the 10 worst countries for the working people. And these are the some data. These are some facts about the violation of workers, right? कि क्या क्या डेटा है अबाउट देयर वायलेशन ऑफ देयर राइट्स. ओके सो 80% ऑफ द कंट्रीज हैव वायलेटेड द राइट्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इन 2019 द नंबर ऑफ कंट्रीज विच इंपीडेड द रजिस्ट्रेशन वॉज 86 वाइल इन 2020 इट हैज बीन इंक्रीज टू 89. ऑलराइट 85% ऑफ द कंट्रीज हैव वायलेटेड द राइट टू स्ट्राइक
74% of countries excluded workers from the right to establish or join a trade union. So these are some other data. और ये सारा डेटा गाइज आपको याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था ऑफ दिस ग्लोबल राइट्स इंडेक्स। इसमें से अगर आपको कुछ याद करना है तो अगर आप ये याद करें तो इट विल बी गुड, ये याद कर लें इट विल बी गुड, और ये बात बस ये तीन जो बॉक्सेस हैं ये आपको याद हो जाए देन इट विल बी गुड, अदरवाइज नहीं भी होते हैं तो देन देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 विच आर अबाउट द ग्लोबल राइट्स इंडेक्स। So recently ITUC has released the 7th edition of Global Rights Index that ranks countries on the degree of respect for workers' rights. India has entered in which category this year? So guys, India jo hai is saal 10 worst countries ki category mein aa gaya hai aur 3 countries nahi enter hui thi is saal, India, Egypt aur Honduras. India, Egypt aur Honduras naam ki 3 countries aisi hain jo ki 10 worst countries mein new entry hai. So option A is the correct answer. Now question number 4, how many parameters and categories? This should not be parameter, this should be indicators. How many indicators and categories are there in the Global Rights Index respectively? So, kitne indicators humne padhe the guys? 97 indicators which are clubbed into 5 categories. Okay, so therefore the correct answer should be what? Option A. 97, 5. Now, let's move on to question number 5 which is the last question for today. Question 5 is DRDO. DRDO is headed by G. Satish Reddy. DRDO is headed by guys D. Satish Reddy, and now write down in comments the headquarter of DRDO. DRDO का headquarter कहाँ पे है ये comments में लिख के बताइए। So DRDO has launched its innovation contest to promote innovation in defense and aerospace technologies in the country. What is that? And guys, this is second such type of contest. इससे पहले ये contest जनवरी 2019 में launch किया गया था, and इस बार second time इसको launch किया गया है, and the name of the contest, let me tell you first the answer. Option A, Dare to Dream 2.0. Dare to Dream 2.0 is the name of the contest, and this contest aims to promote the innovators and startups of the country in the field of defense and aerospace technology. And this was launched on the 5th death anniversary of former President Dr. APJ Abdul Kalam. और इसमें award money भी दिया जाता है startup के लिए, first prize है 10 lakh rupees का, और individual categories के लिए the first prize is of rupees 5 lakh, right? So this is all about the Dare to Dream 2.0 contest, and therefore the correct answer is what? Option A, Dare to Dream 2.0. इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. This will be more than enough. Okay. And guys, राखी आ गई है. Go to anujjindal.in and avail the discount 30%, huge 30% discount by availing this code, using this code Rakhi30. And for more details, call on this number. Okay guys, so that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. आपको ये session कैसे लगा? Guys, comment करके जरूर बताएं. Goodbye, take care and God bless.